आज मैं आप लोगों को टाइफाइड के बारे में जानकारी देने आया हूँ कि ये टाइफाइड होता क्या है, किस कारण से होता है, क्यों होता है और कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जिनके इन्फेक्शन के द्वारा हमको टाइफाइड होता है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है, इसके अंदर आपको स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी दी जाती है, जैसे कि आपको कौन सा रोग हो रहा है, कौन सी बीमारी ऐसी हो रही है उसको देखते हुए आपको कौन से इन्वेस्टिगेशन करानी है, जिस कारण आपको कौन सी दवाएं ले रहे हैं उसके इफ़ेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, इन सब के बारे में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दी जाती है। तो जिन भी लोगों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो के बारे में जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सकती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज मैं टाइफाइड के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये जो टाइफाइड होता है इसको हम एंटेरिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये जो टाइफाइड है हमारे भारत में और जो हमारे आसपास की जो डेवलपिंग कंट्रियाँ हैं उनके अंदर बहुत ही तेज़ी से ये फैल रही है। इसका जो एकमात्र ये कारण है कि जो भी हम वेस्ट का जो डिस्पोजल होता है वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं और अनहाइजीन की तरीके से हम रहते हैं, तो सबसे पहले इसका जो मोस्ट कारण फैलने का है यही है। ये मैन टू मैन फैलता है। जो इसका रूट है वो फीको ओरल रूट होता है। फीको ओरल रूट का मतलब ये होता है कि कोई भी इन्फेक्टेड अगर पर्सन है, वो स्टूल पास करता है, मोशन पास करता है, तो वो क्या होता है, उसका डिस्पोजल अगर सही तरीके से नहीं होता और उसके स्टूल या मोशन से अगर कोई भी खाने पीने वाली वस्तुओं का कंटामिनेशन हो जाता है और वो फिर कंटामिनेशन जो भी चीज़ है, जो भी वस्तु है, उसके वो अगर किसी आदमी या किसी पर्सन के द्वारा खाया जाता है तो वो उसके पेट से होते हुए उसके आँतों में जाके इन्फेक्शन पैदा करता है। अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो इन्फेक्शन का जो बैक्टीरिया है वो क्या है। साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैरा टाइफी नामक दो बैक्टीरिया होते हैं जिनके द्वारा ये इन्फेक्शन होता है। तो दोस्तों, ये जो टाइफाइड के जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं कि ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और जो टॉक्सिन होते हैं वो हमारे ब्लड में जाके मिक्स हो जाते हैं, और ब्लड में मिक्स होने के साथ साथ क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन में चल जाते हैं, इंटेस्टाइन के द्वारा फिर ब्लैडर में जाते हैं, लीवर में जाते हैं और कई सारे तरीके हमारे बॉडी पार्ट हैं उनमें जाके इन्फेक्शन करने लगते हैं। तो जो सबसे पहले इसका जो इन्फेक्शन का जो अटैक होता है वो हमारे इंटेस्टाइन पे होता है। तो जब इंटेस्टाइन पे होता है तो हमारे जो भी पाचन संबंधी जो मेटाबॉलिज्म की जो हमारे कार्य है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिस कारण क्या होता है कि पेशेंट को सबसे पहले डायरिया होने लगता है, उसको लूज मोशन होने लगते हैं, और कई बार तो ऐसे लूज मोशन होते हैं कि आदमी का संपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बाहर निकलने लगता है और साथ साथ उल्टियाँ भी होने लगती हैं। और इसका जो एक और सिम्टम्स है वो है कि हाई ग्रेड का फीवर होता है, 103 डिग्री फारेनहाइट तक का आपको फीवर भी हो सकता है, आप जो स्टूल पास करते हैं उसमें ब्लड भी आ सकता है, कई बार खून की भी उल्टियाँ होती हैं। तो इस तरीके से हमको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये जो खून की जो का जो स्टूल होता है, जो लेटरिंग होती है, वो क्यों होती है, ये इसलिए होती है कि जो हमारे जो बैक्टीरिया है वो जो इंटेस्टाइन में जब अटैक करता है वहाँ पर जब ये इन्फेक्शन करता है तो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन करने लगता है कि उसमें छेद कर देता है। छेद के कारण क्या होता है कि ब्लड रिलीज होने लगता है और हमारे स्टूल के द्वारा वो शरीर से बाहर निकलता है। तो जब भी हमको ये इस टाइप का इन्फेक्शन हो गया हो तो हमको क्या करना है कि हमको डॉक्टर के पास जाना है। टेस्ट के अंदर वो CBC की टेस्ट करवा सकता है, WBC का टेस्ट करवा सकता है, IgG IgM का टेस्ट करवा सकता है। इंफेक्टेड पर्सन होता है वो कैरियर का काम करते हैं। कैरियर का काम का मतलब ये होता है कि उनमें पूरी तरह से सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है और वो सही तरीके से ठीक नहीं होते हैं, बस साल दर साल वो क्या करते हैं कि इस इन्फेक्शन को फैलाते रहते हैं। वो जब भी स्टूल करते हैं साल दर साल उसमें से ये जो बैक्टीरिया वो निकलते रहते हैं, और तरह तरह के खाने पीने वाली वस्तुओं में या अनहाइजीन कंडीशन में अगर कोई रहता है तो वो एक से दूसरे में आसानी से फैल जाते हैं। तो इसके कारण भी इसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा समस्या लगती है, और एक जगह अगर ये होने लगता है तो इसका संक्रमण बहुत ही तेज़ी से फैलने लगता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको हाइजीन कंडीशन में रहना है, और ये जो मैं आपको टेस्ट बता रहा था कि ये जो IgG IgM का टेस्ट है, इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको IgM का जो टेस्ट होता है उसके अंदर अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आपको इन्फेक्शन चल रहा है, और जो IgG टेस्ट में अगर आप पॉजिटिव आता है इसका मतलब आपको पहले कभी टाइफाइड का इन्फेक्शन था, क्योंकि ये आपके टाइफाइड के प्रति एंटीबॉडी बन चुकी होती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर घर में आपको ऐसी कंडीशन होती है कि अचानक किसी को डायरिया होने लग गया और बुखार तेज है, तो आपको क्या करना है कि डायरिया जो होता है तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाते हैं, तो आपको इलेक्ट्रोल का घोल आता है और ORS का घोल आता है, उसको बना के पेशेंट को बराबर पिलाना होता है। जब जब वो दस्त करने जा रहा है तब तब आपको इस इलेक्ट्रोलाइट का घोल आपको पिलाना है। साथ के साथ बुखार आ रहा है तो आप पैरासीटामॉल लेके भी इसका बुखार को कम कर सकते हैं।
इसका जो इन्फेक्शन का जो एकमात्र जो ट्रीटमेंट है वह एंटीबायोटिक के द्वारा ही होता है। जो एंटीबायोटिक होता है उसी के कारण ये ठीक हो सकता है। तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको उस समय की जो एंटीबायोटिक जो चल रही होगी और ये भी चेक करेगा कि उस पेशेंट को कौन से एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस हो चुका है, तो वो स्पेशली कोई ऐसी एंटीबायोटिक चूज़ करेगा और आपको वो देगा। तो जिस कारण क्या होता है कि 2 से 3 हफ्तों में वो आपको एंटीबायोटिक का यूज करना है, इसके कारण आसानी से आप टाइफाइड से मुक्ति पा सकते हैं। तो इन सब का जो दोस्तों बचाव है, सबसे पहले बचाव तो मुझे आप लोगों को ये बताना है कि आप जब भी कोई चीज़ खाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोना है आपको, और अगर कोई पेशेंट टाइफाइड से ग्रसित है तो उससे आपको थोड़ी दूरी बनाए रखना है, वो जहाँ भी स्टूल पास करता है उस एरिया को आपको साफ़ रखना है। और फ्रेंड ये करना है कि आपके जो खाने पीने वाली जो वस्तु होती है उसको अच्छी तरीके से धोना है, अच्छी तरीके से पका होना चाहिए, और जब भी आप कोई पानी पी रहे हैं तो उसको अगर उबाल के पी लें तो वो सबसे बेस्ट है, या बंद बोतल का पानी आपको पीना होता है। दोस्तों ये थी एक छोटी सी टाइफाइड के बारे में जानकारी। अगर आपको टाइफाइड को समझने में ये वीडियो ज़रा से भी लाभ प्रदान करती है या ज़रा से भी फ़ायदेमंद अगर आपको लगती है तो आप दूसरों को भी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी टाइफाइड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो सकती है और वो अपना सही तरीके से इलाज अपना करवा सकते हैं डॉक्टर के पास जाके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।